गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 सब्जेक्ट हमारा अर्थशास्त्र है। हम पिछले वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 2 को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो हमारा चैप्टर था जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था को सन 1950 से लेकर 1990 के बीच में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, जो 1950 से कहीं ना कहीं देश में इसका एक प्लानिंग कमीशन बनाया और 1951 से इसको स्टार्ट किया गया था। आज के वीडियो में हम आपको पंचवर्षीय योजनाएं या पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या है, हम उन लक्ष्यों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर उन व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, उन अर्थशास्त्रियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी बातें बताई, देश के लिए कुछ डाटाज कलेक्ट किए जिससे कहीं ना कहीं देश को कुछ और डेवलप किया जा सके। तो चलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य के ऊपर को डिस्कस करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान दें कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देश के अंदर किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। कोई भी जब योजना चलाई जाती है तो उसके लक्ष्य बिल्कुल साफ होने चाहिए कि हमें क्या करना है, किन चीजों को हमें लेके चलना है और किन के बारे में हमें ज्यादा अध्ययन करना है, हमें उनके बारे में ज्यादा स्टडी करनी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य संवर्धन, आधुनिकीकरण मतलब नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, आत्मनिर्भर मतलब जिन वस्तुओं को उत्पादन कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम बना रहे हैं उन पर कंप्लीट से आत्मनिर्भर हो, हमें किसी भी अन्य देश से उनको नहीं मंगाना चाहिए, उनका इंपोर्ट नहीं करना चाहिए और समानता इक्विटी के बारे में हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, हर योजना में सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व नहीं दिया जाता। जिस योजना में जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है सबसे पहले हमें उसी योजना के बारे में अध्ययन किया जाता है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई परिवर्तन या कोई अंतर विरोध न हो। आइए योजना के लक्ष्यों के विषय में कुछ विस्तार से जानने का प्रयास करें। मतलब अंतर विरोध मतलब होता है आपस में टकराव नहीं होना चाहिए कि कौन सी योजना हमें पहले रखनी है, कौन सी बंद हुई हमें पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। संवृद्धि क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब हमें किन योजनाओं को चलाना है, हमें किन योजनाओं से कितना प्रॉफिट होगा, इनके ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं। देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी की अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार और उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि करना। मतलब जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उनके और उत्पादन की जाने वाली वस्तुएं और जिन रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या करें, वृद्धि करें या उनमें कहीं ना कहीं हम वृद्धि करके देखें। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद GDP में निरंतर वृद्धि है। बिल्कुल सही बात है, सकल घरेलू उत्पाद को लगातार बढ़ाना या उसमें वृद्धि करना ही मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं क्या करना, आगे बढ़ाना होता है। इसमें अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं GDP एक वर्ष की अवधि में, GDP की डेफिनेशन देखें, एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है या इसको हम क्या बोलते हैं, GDP के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। यदि GDP का एक केक, सपोज करो उसने एक एग्जांपल दे, उदाहरण दिया है, यदि GDP को क्या मान लिया जाए, एक केक मान लिया जाए, जो सिंपल सी बात है किसी पार्टी वगैरह में जिसको हम यूज करते हैं हम उस केक की बात कर रहे हैं, तो समृद्धि का अर्थ होगा इसके आकार वृद्धि करना। मतलब अगर हमें जोर ज्यादा मात्रा में इसके आकार को बढ़ाना होगा, रीजन है इसको खाने वाले लोग अगर ज्यादा होंगे तो हमें रीजनल बात होगी कि हमें इसका आकार बढ़ाना होगा, और यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, यदि जितना बड़ा केक होगा उतने ज्यादा लोगों को हम उसको सर्व कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक सर्वत्र विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो कहीं ना कहीं उसे क्या करना होगा, तो वस्तु और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना होगा, और वस्तुओं सेवाओं का जब उत्पादन अधिक करेंगे तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं हम GDP में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को से प्राप्त होता है। जैसे कि हम चर्चा करते हैं कृषि क्षेत्र जिसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र जिसको हम द्वितीय सेक्टर में रखते हैं, और सेवा क्षेत्र जिसको हम तीसरे सेक्टर में रखते हैं। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या होता है, तैयार होता है, स्ट्रक्चर तैयार होता है।
कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान बहुत अधिक होता है। कहते हैं कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर कृषि का योगदान उस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और कुछ देशों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि या कहते हैं टर्टियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि मैं विकसित देशों की बात करता हूं तो विकसित देशों में कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा आधुनिकरण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। न्यू जो टेक्नोलॉजी है, नए जमाने जो टेक्नोलॉजी, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। नई प्रौद्योगिकी मतलब होता है हमें नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई किसान है, कोई फार्मर है, उसको अपने खेतों के अंदर उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाना है तो हमें हाइब्रिड सीड्स को यूज करना पड़ेगा। मतलब हमें अधिक उत्पादन करने वाले बीजों को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकती है और नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर आधुनिकरण कर सकती है। तो एक वर्ड याद रखना आपको, आधुनिकरण का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना, और न्यू टेक्नोलॉजी मतलब नई तकनीक को अपनाकर हम कहीं ना कहीं देश में इस क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं या देश की जीडीपी को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। चलो, आधुनिकरण केवल नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन लाना भी होता है। ये भी ध्यान रखना, आधुनिकरण मतलब ये नहीं होता कि हम लगातार प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, ग्रोथ जो रेट है हमारी उसको और ज्यादा इंक्रीज करें। हमें कहीं ना कहीं लोगों की सोशल जो वेलफेयर है उसको भी ध्यान में रखना होता है, समाज के कल्याण को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे यह स्वीकार करना है कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। जो महिलाओं को जो अधिकार हो किसके समान होना चाहिए, पुरुषों के समान होना चाहिए। रीजन है क्योंकि हम सोशियल इक्विटी अपनाएंगे, समाज में एकाधिकार की स्थिति को अपनाना होगा। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया गया है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल सेक्टर की अगर जाते हैं, परंपरावादी क्षेत्रों की ओर हम जाते हैं, तो वहां पर महिलाओं को सिर्फ घर तक ही सीमित माना गया है। ठीक है, जबकि घर से बाहर तो बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, आधुनिक समाज में नारी का जो प्रतिभाओं का घर से बाहर भी आज उसका हम यूज कर रहे हैं। और हम ये भी बता रहे हैं कि ऐसा करने वाला समाज अधिकांश से समृद्ध हुआ है। मतलब इस प्रकार का यूज करने वाला, मतलब महिलाओं को सम्मान देने वाला जो समाज है वो आज बहुत आगे बढ़ चुका है। एक होता आत्मनिर्भरता, जिसको सेल्फ रिलायंस बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी राष्ट्र आधुनिकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है, या कह सकते हैं हम डेवलप कंट्रीज से हम इन संसाधनों को मंगा कर अपने आप को या खुद को क्या कर सकते हैं, आधुनिकरण बना सकते हैं। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो चलाई गई देश के अंदर, आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। मतलब हम कहीं ना कहीं खुद को सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करते रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव हो। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है, कि देश में जिन चीजों का उत्पादन किया जा सकता है हमें उनका आयात नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया है। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका की भी की थी कि आयातित खाद्यान्न विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारे संप्रभुता में बाधा डाल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जितना हम विदेशी पूंजी को यूज करेंगे, जितना हम विदेशी वस्तुओं को यूज करेंगे, कहीं ना कहीं वो देश की संप्रभुता को क्या है, सबसे बड़ा नुकसान मानते हैं उसको, या सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इसलिए हमें जितना हो सके उन वस्तुओं का ज्यादा यूज करना चाहिए जो देश में प्रोडक्शन किया जा सके, जिनका उत्पादन किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं समानता, इक्विटी की बात करते हैं। ठीक है, समानता क्या है? केवल समृद्धि, आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल सही बात बोली कि हम आत्मनिर्भर बन जाए, देश को आधुनिकरण बना दे और आगे बढ़ जाए, तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम सभी को समान अवसर प्राप्त नहीं कर सकते। किसी देश में उच्च समृद्धि दर, विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद ही अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को ही सुलभ हो, केवल धनी वर्ग तक सीमित न रहे। ये बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ अमीर लोगों को ही वो सारी सुविधाएं ना मिले, कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए भी चीजें हो, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अतः आधुनिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, देखो क्या चीजें बहुत जरूरी है, अच्छा भोजन मिले, ठीक है, आवास मिले,
शिक्षा अच्छी मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये सभी मूलभूत आवश्यकताएं हमें लगभग सभी को समान मात्रा में देनी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि देश इक्वलिटी को अपना रहा है, समानता को अपना रहा है। आइए सन 1950 से 90 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम सातवीं पंच योजनाओं ने किस प्रकार इन चार लक्ष्यों को प्राप्ति के प्रयास किए, कृषि उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहां तक सफल रहे, और 1991 के बाद 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अपने अगले अध्याय में हम इन पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं बता रहा हूं आपको या जो वीडियो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इस वीडियो में दोस्तों आज हमने पंचवर्षीय योजनाओं यानी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई गई देश में उन योजनाओं के बारे में हमने चर्चा की। हम किस प्रकार देश के अंदर ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को इंक्रीज करने का सबसे मेन साधन जो माना गया हमने वो है कि देश में जो उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनका अच्छा प्रयोग किया जाए, इसलिए हम सकल घरेलू उत्पाद को इजीली बढ़ा सकते हैं। चलो बॉक्स में कुछ सेवा क्षेत्र दे रखे हैं, मतलब हम यहाँ पर बॉक्स की जो बातें हैं मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले आपको पीसी महल नोबिस के बारे में चर्चा करूंगा, जिन्होंने भारतीय योजनाओं को, जिनको निर्माता बोला जाता है या कह सकते हैं कि जिन्होंने भारतीय योजनाओं को क्या किया, आगे बढ़ाया। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है, उनमें सांख्यिकी प्रशांत चंद्र महल लोबिस या पीसी महल लोबिस का नाम काफी महत्वपूर्ण है। याद होगा देश में सबसे पहले नेशनल इनकम की जो डाटा प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, पीसी महल लोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना सामान्य विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान, योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ, या कह सकता हूं प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो खाली देश के अंदर उन साधनों पर ध्यान दिया गया जिससे देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहीं ना कहीं हम सही मायने में योजनाओं को सही प्रकार से अपना रहे थे। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए, यह योजना महल नोबिस के विचारों पर आधारित थी, इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। ये याद रखना, भारतीय योजनाओं का निर्माता या भारतीय योजनाओं का एक महान निर्माताकार जिसको हम बोलते हैं पीसी महल नोबिस, उसका जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी जो शिक्षा थी वो कॉलेज कलकत्ता से हुई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में इन्होंने अपनी सांख्यिकी विषय में और योगदान कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। 1946 में ब्रिटेन की सोसाइटी जहां पर फेलो सदस्य बनाया गया, यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन माना जाता था, उस समय केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को यहां पर जगह दी जाती थी। महल लोबिस जो व्यक्ति थे बेटा वो कहीं ना कहीं ISI संस्था स्थापना तक सांख्य नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यिक विद्वानों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI तथा सांख्य दोनों ही समस्त विश्व में सांख्यिक विद्वानों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से इसको देखा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं तो महल नोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह भी दी थी। कालांतर की बात करता हूं तो कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला, यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महल लोबिस और आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी शामिल थे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे, मतलब जो समाज सिद्धांतों की आलोचना करते थे, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अपने आलोचकों को सुनने के इच्छुक थे, यह उनकी महान विद्वत गुण। बहुत अच्छा माना जाता है कि जो व्यक्ति खुद की आलोचनाओं को सुन सकता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, ऐसा पीसी महल नोबिस का मानना था। ठीक है, तो कहता हूं कि ये जो हम व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक महान अर्थशास्त्री रह चुके हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया और भारत के अंदर इन्होंने देश की नेशनल इनकम या यहाँ के स्ट्रक्चर को अच्छा करने में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उसमें हमारे कृषि का योगदान रहा, हम कृषि के योगदान को नहीं भूल सकते क्योंकि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में एग्रीकल्चर सेक्टर काफी इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, जरूर इसको अच्छे से देखें, थ्योरी सब्जेक्ट है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।